नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। रोहतास नोखा थाना पर पटेल नगर दशहरे की तैयारी अब अंतिम दौर में है। मां का कपाट आज के खुल गया और बारिश तैयारी पर पानी फेर रही है। बारिश का रंग दिखते हैं पूजा समिति सोहम डा रही है। कुछ ऐसा ही बुधवार की रात में हुआ। देर रात बारिश शुरू होते ही पूजा समिति के सदस्य की बेचैनी बढ़ गई और पंडाल एवं मूर्ति बचाने का गुजार करने लगे। वैसे तो बारिश के बाद मंगलवार से सुबह मौसम साफ होते हैं, दुर्गा पूजा की रौनक लौटने लगी है। पूजा समिति अधूरी तैयारी को पूरा करने में जी जान से जुटी है। पंडाल बनाने वाले कारीगर और मूर्ति बनाने वाले दिन रात एक कर अपना काम पूरा करने में जुटे हैं। पूजा पंडाल और प्रतिमाओं को दो दिन में पूरा करने की बड़ी चुनौती आसमान नहीं है, लेकिन पूजा समिति का उत्साह इस चुनौती को पोस्ट कर देने के लिए काफी है। शहर के कई पूजा पंडाल और लाइटिंग व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है। पूजा समिति के अध्यक्षों ने बताया कि पंडाल लाइटिंग और सजावट का काम जोर शोर से चल रहा है। पंडाल का काम कल सुबह तक पूरा कर लिया जाएगा। पंडाल में कपड़ा लगाने का काम किया जा रहा है। बारिश की वजह से तीन दिन का समय बेकार चला गया। सदस्यों के लिए रेणुकूट खरीदे गए हैं और पंडाल और मूर्ति को बचाने के लिए तिरपाल का इंतजाम किया गया है। याद बारिश होती है तो सभी सदस्य